एक घरेलू चिड़ैया है। पारस डोमेस्टिक नामक प्रजाति का एक पक्षी है। यह पक्षी यूरोप एशिया में सामान्य रूप से पाया जाता है। अभी तक जहाँ जहाँ मनुष्य गए हैं इस पक्षी को जरूर देखा होगा। यह पक्षी अफ्रीका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी 6 तरह की प्रजाति हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, सीडन स्पैरो, रोस्ट स्पैरो, डेड सी स्पैरो, ट्री स्पैरो और अमेरिकन स्पैरो ट्री स्पैरो की ही एक प्रजाति है जो पाई जाती है। यह चिड़ियाँ बहुत अच्छी होती है। यह है किसानों के भी दोस्त होती है। यह चिड़ियाँ आपको हर जगह मिल जाएगी। अगर आप इन्हें देखें तो अब तो ये विलुप्त होने के कगार में है, क्योंकि अब शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, इसलिए अब ये बहुत कम पाई जाती है। कृपया करके आप अपने मोबाइल फ़ोन में तुलसी का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि वह मोबाइल के रेडिएशन को काटती है। यह देखिए स्पैरो कितनी मासूम है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, आपको खाने में मदद करती है। अब ये देखिए ब्राज़ील में कितने सारे यूरोप मरे हैं, और टावर देखिए एक ही जगह आपने दो दो खड़ा कर रखा है। अब समझ सकते हैं इनकी दिशा खोजने की प्रणाली कितनी कम हो जाती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ ये करें। और यह स्पैरो की लंबाई बस 14 से 16 सेंटीमीटर रहती है, और यह हर जलवायु में भी पाई जाती है। यह 1990 से 2010 में बहुत कम हुई है, 50 साल के अंदर। यह हाउस स्पैरो का घोंसला है, इसलिए इसका नाम हाउस स्पैरो, और ये नॉर्मली हाउस स्पैरो का घोंसला है। इनकी जीवन प्रणाली बस 4 से 7 साल तक होती है।